नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कि क्यों किसान प्याज की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जानेंगे ड्राइव इन प्लांट क्यों है किसानों के लिए खास, बताएंगे कैसे कपास किसानों को मिलेगा कीटों से राहत, समझेंगे उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति के बारे में, साथ ही बताएंगे झारखंड किसानों को कैसे मिलेगी सूखे से राहत। पिछले कुछ सालों से प्याज की खेती में अच्छा मुनाफा देखते हुए किसान इस साल भी प्याज फसल पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि अब किसान तिलहन और कपास छोड़कर प्याज की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। प्याज के बढ़ते दामों और इससे होने वाले मुनाफे को देखते हुए किसान इस साल प्याज की खेती के प्रति अपना रुख दिखा रहे हैं, जिसके चलते इस साल प्याज की बुआई का आंकड़ा बढ़ गया है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के नए शोध में पता चला है कि इस साल रबी सीजन की फसल का कुल रकबा 15 से 20 फीसदी तक बढ़ा है। भारत में 2013-14 में कुल 1.94 करोड़ टन प्याज उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 2.06 करोड़ टन प्याज उत्पादन का रिकॉर्ड बनने की संभावना है। भारत कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से संपन्न हो, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में केंद्र सरकार भारत को स्वास्थ्य खाद्य के लिए भी वैश्विक केंद्र में बदलने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मैसूर में CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य अनुसंधान में अनेक अनुसंधान परिणामों की जानकारी देते हुए परिसर में फूड नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र और मेक इन इंडिया फूड पवेलियन का उद्घाटन किया। इसके तहत एकीकृत गन्ना रस बनाने और बोटलिंग इकाई की स्थापना कर दी गई है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 2 टन गन्ना रस तैयार किया जा सकता है। अगले 90 दिनों के अंदर ही इस संयंत्र को शुरू भी कर दिया जाएगा। ये संयंत्र आसपास के गन्ना किसानों के लिए ड्राइव इन प्लांट के नाम से जाना जाएगा। कभी मौसम की मार तो कभी कीट लग जाने से किसानों की फसलें तो खराब हो जाती हैं, लेकिन गुजरात और आंध्र प्रदेश के कपास किसानों को कपास पर लगने वाले कीटों से अब राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बीटी प्रौद्योगिकी वाली कपास की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पिंक वॉल वॉर्म कीट से बचाने का तरीका निकाल रही है। बीटी कपास की किस्मों को कीट प्रतिरोधी फसलों के रूप में जाना जाता है। साल 2006 में मॉनसेंटो बीटी कपास की दूसरी पीढ़ी की किस्म वॉल गार्ड 2 को कपास बाजार में लाया गया था। विधानसभा सत्र में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इन्हीं घोषणाओं पर अमल करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने किसानों के लिए अम्मा सीड्स योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने किसानों के लिए अम्मा सीड्स योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस योजना की शुरुआत की। अम्मा सीड्स योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराएगी। साल 2014 में इस योजना का प्रस्ताव लाया गया था। इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री राज्य में अम्मा कैंटीन और अम्मा मिनरल वाटर जैसी योजनाएं भी लॉन्च कर चुकी हैं। भले ही देश भर में लोग लड़के और लड़कियों के बीच में कोई मतभेद ना करने का दावा करते हों, लेकिन मानव विकास मंत्रालय के एक ताज़ा सर्वे के अनुसार मुस्लिम वर्ग की लड़कियां उच्च शिक्षा के मामले में लड़कों से काफ़ी पीछे हैं। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में मुस्लिम वर्ग से उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या बेहद कम है। उच्च शिक्षा विभाग में दाखिला लेने वाले कुल विद्यार्थियों में से 4.3% छात्र मुस्लिम वर्ग के हैं। मानव विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा पर ताज़ा अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2013-14 में समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति पेश की है। देश में 3,23,36,214 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा में दाखिला लिया, जिनमें 13,96,759 मुस्लिम थे। इनमें से 7,48,654 लड़के और 6,48,105 लड़कियां हैं। वहीं दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग में कुल 6,31,531 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा में दाखिला लिया। उनमें से 2,89,644 लड़के और 3,42,086 लड़कियां रही। दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियां, अन्य पिछड़ा वर्ग,
यानी OBC अनुसूचित जाति से आगे हैं। वहीं उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार का नंबर है। मेक इन इंडिया के तहत कोर सेक्टर इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के साथ ही सरकार कृषि को भी मजबूत बनाने की कोशिश में जुट गई है, जिसके तहत आने वाले 2 सालों में देश भर की मंडियां ऑनलाइन होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया है कि फसल पैदावार बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, बेहतर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराना और आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सरकार इस साल विशेष ध्यान देने वाली है। साथ ही सभी 585 थोक मंडियों को मार्च 2018 के अंत तक ऑनलाइन करने की भी घोषणा की। जल्द ही 50,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिलावार सिंचाई योजना भी लागू की जाएगी। खराब मॉनसून का असर लगभग सभी फसलों के उत्पादन पर देखा जा रहा है। वहीं चावल पैदावार घटने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बावजूद देश भर की सरकारी एजेंसियों पर चावल की सरकारी खरीद में इजाफा देखा जा रहा है। खराब मॉनसून के चलते धान की पैदावार में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन चावल की सरकारी खरीद में भारी बढ़त भी दर्ज की गई है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास धान के स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले 32% अधिक धान की खरीद हो चुकी है। विभिन्न राज्यों में अभी तक धान की सरकारी खरीद 1.96 करोड़ टन हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 1.50 करोड़ टन धान खरीदा गया था। वहीं कृषि मंत्रालय के अनुसार देश की लगभग सभी प्रमुख मंडियों में धान का भाव कम चल रहा है, जबकि इसके मुकाबले सरकारी एजेंसियों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, जो ज्यादा है। दोस्तों, देश डायरी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बंद हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से दोबारा शुरू करने वाली है, लेकिन इस बार इस योजना में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की कोई मदद नहीं लेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश जारी में। उत्तर प्रदेश देश भर में कृषि के लिए सबसे बेहतर प्रदेशों में से एक माना जाता है, लेकिन प्रदेश जल्द ही कृषि के साथ साथ टूरिज्म और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में भी शुमार होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब फिल्म, संगीत और फूड फेस्टिवल अपना रंग बिखेरने वाला है। जल्द ही प्रदेश में टूरिज्म और फिल्मों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को प्रदेश सरकार की तरफ से मदद मिलने वाली है। प्रदेश सरकार की फिल्म नीति में फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी भी बाकी राज्यों से बेहतर है। साथ ही आगरा का ताजमहल दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों का केंद्र तो है ही, इसके अलावा मुगलों की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्द ही आगरा में मुगल म्यूजियम, ताज ओरिएंटेशन सेंटर, आगरा हेरिटेज सेंटर और आगरा स्ट्रीट कैफे की शुरुआत भी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती एक बार फिर से जोर पकड़ने वाली है। जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना को लागू करने वाली है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार प्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने वाली है। केंद्र सरकार जमीन और पानी की कमी को देखते हुए GM कपास की पैदावार बढ़ाने वाली है। इसके तहत आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत एक विशेष योजना लागू की जाएगी। इस योजना के जरिए किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध तो कराई ही जाएंगी, साथ ही अनुदान और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बंद हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से दोबारा शुरू करने वाली है, लेकिन इस बार इस योजना में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की कोई मदद नहीं लेगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। केंद्र के इस कदम से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार ने अब खुद इस बीमा योजना को चलाने का फैसला किया है। ये बीमा योजना हालांकि कुछ बदलावों के साथ लागू की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में BPL कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलता था, जबकि प्रदेश सरकार इसका लाभ 40 लाख समाजवादी पेंशन धारकों को देने वाली है।
राज्य में ये समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कराएगी। पोलियो मुक्त विश्व का लक्ष्य पूरा होने के बाद दुनिया को और सुरक्षित बनाने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने पोलियो का एक नया टीका बनाया है। ब्रिटेन के हार्टफोर्डशायर स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल के शोधकर्ताओं ने पोलियो की नई सुरक्षित वैक्सीन विकसित की है। इस नए टीके में वर्तमान की अपेक्षा वायरस के हल्के स्वरूप का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में टीका बेहद शक्तिशाली वायरस की मदद से बनाया जाता है। आमतौर पर सुरक्षित होने के बाद भी कुछ दुर्लभ मामलों में इन टीकों से पोलियो के कुछ साइड इफेक्ट के मामले देखने को मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संबंध में नए टीके को बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC की स्थापना से ग्रेटर नोएडा का विकास तो होगा ही, इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा ग्रेटर नोएडा की स्थापना औद्योगिक विकास के लिए हुई है। शहर में हाउसिंग सोसाइटियों की तो भरमार हो गई है, लेकिन उद्योगों की संख्या अभी भी कम है। ऐसे में शहर का विकास बढ़ाने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने एक पहल की है, जिसके तहत शहर में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के अलावा दादरी, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन उद्योगों की स्थापना से लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया कदम उठाया है, जिसके तहत 31 मार्च से दिल्ली NCR की सड़कों पर सिर्फ CNG ऑटो ही चल सकेंगे। दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 4 और एंट्री पॉइंट से दिल्ली में हैवी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाने वाली है, जिसके तहत NCR की सभी टैक्सियों को 31 मार्च तक CNG में कन्वर्ट करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NH2, NH10 और NH58 के अलावा स्टेट हाईवे 57 से भी ऐसे कमर्शियल वाहन नहीं आ सकेंगे जिनका गंतव्य दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद और बागपत से दिल्ली आने वालों को दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। कैसे शैक्षिक बेरोजगारी ने बनाया लोगों को भिखारी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मशरूम की खेती करने वाले किसानों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मशरूम बाजार में बहुत महंगी कीमतों पर बिकते हैं। ऐसे में मशरूम से जुड़े हमारे पास एक अच्छी खबर है, जिसके जरिए आप न सिर्फ मशरूम की खेती अपने घर में कर सकेंगे, बल्कि उससे कैंसर की बीमारी से भी राहत पा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दुनिया में मौजूदा भिखारियों की संख्या लाखों से भी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन भिखारियों में कितने प्रतिशत भिखारी पढ़े लिखे हो सकते हैं? एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि देश में 78,000 भिखारी 12वीं पास हैं। शैक्षणिक बेरोजगारी को लेकर किए गए सैंपल्स 2011 की डाटा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 3,72,000 भिखारियों में से 21% भिखारी 12वीं पास हैं। यही नहीं, 3,000 भिखारियों के पास पेशेवर डिप्लोमा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इन लोगों से भिखारी बनने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे इसलिए भिखारी बन गए हैं क्योंकि उनकी डिग्रियां उन्हें ना कोई अच्छी नौकरी दिला रही है और ना ही उन्हें उनकी पढ़ाई के मुताबिक कोई अच्छा काम दिला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर के पास मौजूद 30 भिखारियों में कोई गुजरात विश्वविद्यालय में MCOM की पढ़ाई कर चुका है तो कोई 12वीं पास के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में भी बोल लेता है। ये तो सभी को पता है कि वंशानुगत बीमारी का इलाज करना अभी तक संभव नहीं हो सका है, लेकिन आने वाले सालों में लोगों को इस परेशानी से भी निजात मिलने वाली है। वंशानुगत बीमारी आने वाले दिनों में इंजेक्शन देकर ठीक की जा सकेगी। कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ऐसा इंजेक्शन विकसित करने में लगे हुए हैं, जिसके जरिए मरीजों के जीन में सुधार किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी नवजात बच्चे को एक इंजेक्शन देकर उसे हमेशा के लिए डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए वे एक नई तकनीक इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे क्रिस्पर नाम दिया गया है। अक्सर घरेलू गैस सिलेंडरों में कम गैस मिलने या गैस निकाले जाने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इसी परेशानी को हल करने के लिए जल्द ही बाजार में पारदर्शी सिलेंडर आने वाले हैं। वहीं साल 2018 तक पूरे देश में एलपीजी कनेक्शन भी उपलब्ध हो जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सिलेंडरों से गैस की चोरी पर रोक लगाने के लिए इसी साल से पारदर्शी सिलेंडर बाजार में आ जाएंगे। साथ ही अगले 3 सालों में वो देश के हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ ही पूरे देश में एलपीजी हेल्पलाइन 1906 की भी शुरुआत हो गई है। भले ही राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस नए नए कदम उठा रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम जैसे मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए सालाना रिपोर्ट कार्ड में डकैती और दहेज हत्या जैसे मामलों को छोड़कर बाकी सभी स्ट्रीट क्राइम और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ोतरी का आंकड़ा दर्ज किया गया है। स्ट्रीट क्राइम में पुलिस 6 मामलों में असफल साबित हुई है, जबकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में से 5 मामलों को रोकने में पुलिस नाकाम साबित दिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम 40% तक बढ़ गया है, वहीं छेड़खानी जैसे मामलों में 24% बढ़ने का आंकड़ा दर्ज किया गया है। मोटापे की समस्या से परेशान लोग जल्द ही अपनी इस परेशानी का हल निकाल सकेंगे। जल्द ही बाजार में एक ऐसा खाद्य तेल आने वाला है जो लोगों को पतला बनाने में मददगार होगा। मोटापे से राहत दिलाने वाला खाद्य तेल जल्द ही बाजार में आने वाला है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय खाद्य तकनीक शोध संस्थान मैसूर द्वारा विकसित पोषण की तकनीकों को बाजार में लाने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। CFTRI ने मोटापे से राहत दिलाने वाला खाद्य तेल, 4 महीने तक सुरक्षित रहने वाले गन्ने का रस, प्रोटीन देने वाले कई जूस, बच्चों के लिए पोषक टॉफी जैसे करीब 500 उत्पाद तैयार किए हैं। ये सभी उत्पाद बेहद पोषक और बाजार में इनके जैसे मिलने वाले उत्पादों की तुलना में लाभकारी और सस्ते भी बताए जा रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले किसानों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मशरूम बाजार में बहुत महंगी कीमतों पर बिकते हैं। ऐसे में मशरूम से जुड़े हमारे पास एक अच्छी खबर है, जिसके जरिए आप न सिर्फ मशरूम की खेती अपने घर में कर सकेंगे, बल्कि उससे कैंसर की बीमारी से भी राहत पा सकते हैं। कैंसर के इलाज में कारगर पाई जाने वाली जापान की शिटाके 388S मशरूम को अब आप सिर्फ 45 दिनों में अपने घर या किचन गार्डन में उगा सकते हैं। मशरूम सिटी सोलन के खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस किस्म का अनोखा बीज तैयार किया है। पेड़ों के बुरादे से तैयार छोटे बैग्स में इस मशरूम को तैयार किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक और अन्य विधियों से मशरूम को उगाने में 90 दिन लगते हैं। वहीं अब मशरूम को आप कहीं भी आसानी से अपने घर के तापमान में ही उगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मशरूम विटामिन डी का काफी अच्छा स्रोत है, साथ ही ये रोजगार के लिए भी एक अच्छा साधन बन सकता है। तो दोस्तों, आज की देशदारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 Sector 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01204980000, साथ ही 0011।